ओम नमस्ते सभी को। जब हम भोजन करते हैं तो भोजन करने के बाद एक प्रोसेस चलता है बॉडी को बनाने का। जैसे कि भोजन करने के बाद सबसे पहले बनता है रस, रस बनता है, रक्त बनता है, मेद, मांस, अस्थि, उसके बाद मज्जा, और कहा गया है कि सबसे अंत में सबसे देर से बनता है वजन। अब यहाँ एक चीज़ सोचने की आ जाती है कि जब खाना खाने के बाद खून बन गया, हड्डी बन गई, मज्जा बन गया, मांस बन गया, मसल्स बन गई, तो मतलब बॉडी कंप्लीट बॉडी बन गई। बॉडी को बनने के लिए यही सब धातु तो चाहिए होता है। इसमें अब वज्र धातु का क्या काम है जो कि सबसे अंत में बनती है, मतलब असली काम क्या है इस धातु का? ऋषि मुनियों ने इस धातु को सबसे कीमती धातु बताया है, इसलिए ऋषि मुनि कहते हैं कि इसकी रक्षा करो, इसको वेस्ट मत करो। क्या आप जानते हो 40 किलो खाना खाने के बाद 10 ग्राम वीर्य बनता है लगभग 40 दिन बाद, और वो भी अच्छा खाना खाना पड़ेगा आपको, तब जाकर तैयार होगा 10 ग्राम वजन। हमारी बॉडी की शक्ति होती है, या तो इसका यूज संतान उत्पत्ति में होगा या फिर शरीर की शक्ति बढ़ाने में। इसको खराब कर देना, इसको वेस्ट कर देना, ये कहीं नहीं लिखा मेरे भाई। देखो इस प्रकार आप समझो, वज्र धातु से आप शरीर और बुद्धि को शक्तिशाली बना सकते हो, क्योंकि ये एक एक्स्ट्रा एनर्जी होती है। जैसे कि आप खाना खाते हो तो खाना खाने के बाद आपको एनर्जी मिल जाती है, ठीक है, वो एक नॉर्मल एनर्जी होती है, चल फिर लो, उस एनर्जी से आप नॉर्मल दिमाग का यूज़ कर लो। लेकिन अगर आपको एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए ब्रेन और बॉडी के लिए, तो वो यहीं से आएगी। जितना ज़्यादा आप इसकी रक्षा करोगे, उतना ज़्यादा आप शरीर से शक्तिशाली बनोगे, शक्ति प्राप्त कर सकते हो उतना ज़्यादा आप, और आज के समय के इंसान से अलग बन सकते हो। जैसे कि महाभारत में भीष्म पितामह जी सबसे अलग थे, सबसे शक्तिशाली थे। क्यों थे? क्योंकि भीष्म पितामह जी ने कभी भी जिंदगी में एक बूंद भी वज्र की बॉडी से नहीं निकलने दी। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये धातु का काम क्या है और ये कितनी पावरफुल है। तो ये ब्रह्मचार्य का ही पार्ट है धातु, इसलिए ब्रह्मचार्य को सबसे शक्तिशाली माना जाता है। पहले हमारे देश में क्या होता था, जिनको विद्या सीखनी है, मान लो कोई शस्त्रों की या फिर शास्त्रों की, तो उसको गुरुकुल में ही रखा जाता था। ब्रह्मचार्य की एनर्जी के साथ उसको विद्या सिखाई जाती थी, और फिर वो 8-10 साल बाद एक ऐसा योद्धा बनकर तैयार होता था कि पूरे विश्व में कोई नहीं होता था उस जैसा। और जिसको शरीर शक्तिशाली बनाना है, बल भरना है, तो वो अखाड़े में तैयारी करता था, आज भी करते हैं जैसे पहलवान। तो वह भी वहाँ भी यही रूल है, लंगोट बांधा जाता है, अखाड़े में ही रखा जाता है पहलवान को, फ़ोन नहीं दिया जाता, अनुशासन के साथ ब्रह्मचार्य फॉलो करवाया जाता है, और यही अनुशासन और ब्रह्मचार्य की एनर्जी उसको पहलवान बनाती है। लेकिन अब ये सब चीज़ें, नियम खत्म होते जा रहे हैं हमारे देश से, बाहर की सभ्यता प्रवेश कर रही है। अब क्या है, जिम आ गई है, बिना किसी नियमों के साथ सब लड़के वर्कआउट करते हैं। अब 100 में से 90% लड़के ऐसे हैं जिम में जाने वाले या फिर वर्कआउट करने वाले जो कि मास्टरबेट करते ही हैं। तो भाई वीर्य जो होता है ना, वो ग्रीस होता है हमारी बॉडी के लिए। जो लड़के वीर्य को नष्ट करते हैं, मास्टरबेट करते हैं और वर्कआउट भी कर रहे हैं जमकर, तो भाई इसको बोला जाता है बिना तेल के सूखी मशीन चलाना। जी हाँ, अगर आप जमकर वर्कआउट भी कर रहे हो, मास्टरबेट भी कर रहे हो, बेशक हफ्ते में एक बार भी क्यों ना करते हो, तो भाई ये समझो कि आप अपनी डाइट से जो खा रहे हो सिर्फ उससे एनर्जी ले रहे हो चलने फिरने की या फिर वर्कआउट के लिए, जिससे ना तो आपके अंदर नेचुरली पावर आएगी, ना स्टैमिना आएगा, ना कोई मसल्स बनेगी खास। हमारे वीर्य धातु के अंदर कैल्शियम सबसे ज़्यादा होता है, तो अब मास्टरबेट करते हो तो भाई सारा का सारा कैल्शियम बाहर निकल जाता है, और फिर कैल्शियम की कमी के साथ वर्कआउट करोगे, ये सब हड्डियाँ घिसाने वाली बात है। पता ही क्या, जवानी में पता नहीं लगता इन सब चीज़ों का पता लगता है आगे जाके 30-40 साल के बाद। जो लड़के वीरनाश कर रहे हैं और वर्कआउट भी कर रहे हैं, उनकी हड्डियाँ ख़त्म हो जाएगी बुढ़ापे में, पागल हो जाएंगे वो जल्दी ही। और ये कोई मैं फेंक नहीं रहा, मैं भाई सच बोल रहा हूँ। ब्रह्मचार्य के साधन पुस्तक पढ़कर ये ज्ञान मैं यहाँ दे रहा हूँ। 100 बातों की 1 बात, जिस दिन आप वज्र धातु की रक्षा करके वर्कआउट करोगे, सात्विक भोजन खाओगे, जड़ी बूटियाँ खाओगे, अपने आप आपको 15 दिन में एनर्जी भी फील होगी, स्टैमिना भी दिखेगा बनता हुआ, और फिर धीरे धीरे नेचुरली टेस्टोस्टेरोन भी बनेगा आपका, जिससे मसल्स भी ग्रो होगी, आपका शरीर बलवान बनता चले जाएगा। ये आप ट्राई करके देखो। अब बात यह आ जाती है कि ऐसा क्या फॉलो करें जिससे एक तो हमारी पुरानी कमजोरी दूर हो जाए, जो हम पहले गलतियाँ करते आ रहे हैं, और जो हमारा वजर है वो हमारी बॉडी में जाकर वर्कआउट के लिए शक्ति दे, बल दे, वर्कआउट के लिए बॉडी के लिए, वर्कआउट की बॉडी की शक्ति में कन्वर्ट हो जाए वो, तभी आप निखर पाओगे। तो यहाँ पर पहला पॉइंट आ जाता है रक्षा। जितना हो सके रक्षा करो इस एनर्जी की, ये तो कंपलसरी है। मन मजबूत बनाओ, अपने आप को बिजी रखो, बस इसकी रक्षा करो कैसे भी। दूसरा पॉइंट आता है हर्ब्स। ऐसी जड़ी बूटियों का सेवन चाहिए होगा आपको जो आपकी पुरानी कमजोरी को दूर करके नई शक्ति शरीर में प्रदान करे। ये कुछ जड़ी बूटियाँ हैं जो कि आपको आसानी से मिल जाएगी, जैसे कि अश्वगंधा, सफ़ेद मुसली, रस सिंदूर। ये आपकी पुरानी कमजोरी को दूर करके आपके शरीर में नई ऊर्जा शक्ति का निर्माण करेगी। अगर आपको पावरफुल मिश्रण चाहिए इन सब जड़ी बूटियों का, तो आप ये लो मैंश्योर एनर्जाइज़र। इसमें आपको हर्ब्स तो मिलेंगी साथ में सब,
और एक पावरफुल चीज इसमें जो डाली गई है जिसकी वजह से ये और ज़्यादा पावरफुल बन जाता है, वो है वांग भस्म। ये देखो रस सिंदूर जो कि बहुत पावरफुल जड़ी बूटी है वो भी इसमें आपको मिल जाएगी, अश्वगंधा इसमें है, केसर भी इसमें है, सफ़ेद मूसली इसमें मिल जाएगी जो कि मसल्स ग्रोथ हार्मोन बढ़ाती है, और भाई शिलाजीत भी है इसमें। ये सब पावरफुल जड़ी बूटी आपके शरीर में पुरानी कमजोरी को दूर करके एक नई ऊर्जा पावर इनक्रीज करने की क्षमता रखती है। जिन लड़कों की एनर्जी लो रहती है बॉडी की, उसको अच्छा करेगा ये एनर्जाइजर। स्ट्रेस रहता है उसको भी मैनेज करेगा ये। इसका एक कैप्सूल सुबह शाम खाना खाने के बाद, रात को भी दूध के साथ लेना है, और सुबह खाना खाने के बाद आप दूध के साथ एक कैप्सूल ले सकते हो। बाकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ आप इसको ऑर्डर कर सकते हो और चेक ज़रूर करें। तीसरा पॉइंट, देखो हमारे देश में जो युवा है उनकी आधी बॉडी की स्ट्रेंथ, मसल्स, ताकत, स्टेमिना इसलिए नहीं बनता क्योंकि वो लेग वर्कआउट जिसको बोलते हैं वो नहीं करते। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने खुद देखी है ये चीज़ें। भारत में ये चीज़ सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। जिम में आप जाकर देखो, शनिवार को बहुत कम लड़के आते हैं जिम में क्योंकि शनिवार को लेग का वर्कआउट करना होता है, तो लड़के लेग के वर्कआउट से डरते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि लेग दुखती बहुत है वर्कआउट करने के बाद। अरे भाई, लेग का वर्कआउट ही हमारी बॉडी बनाने वाले हार्मोन को बढ़ाता है। बाहर के लोग खूब लेग वर्कआउट करते हैं, हमारे यहाँ लेग वर्कआउट ज़्यादातर एथलीट ही करते हैं, बाकी नॉर्मल लड़के नहीं करते बॉडी बनाने वाले। और भाई हमारे देश के पहलवान अगर आप देखो, अगर आप पुराने समय के पहलवानों का वर्कआउट देखोगे हमारे देश के, वो सब हर रोज़ टायर उठाकर लेग वर्कआउट करते थे। तो लेग वर्कआउट शरीर को तगड़ा बनाता है, जैसे कि छोटी गाड़ी में चौड़े टायर डलवा दो तो वो कितनी तगड़ी लगती है गाड़ी, ऐसे ही जब आपके लेग तगड़े होंगे, चौड़े होंगे, तो आप भी तगड़े बनोगे। आपने स्प्रिंटर देखे होंगे जो कि 100 मीटर 200 मीटर की रेस लगाते हैं, वो पूरा दिन हर रोज़ लेग वर्कआउट करते हैं सुबह शाम। और एक चीज़ नोटिस करना उनकी, स्प्रिंटर की, उनकी बॉडी की ग्रोथ भी बढ़िया मिलती है, 6 फुट नॉर्मल होती है, और बाकी के जो मसल्स है, बाइसेप, ट्राइसेप, चेस्ट, शोल्डर, ये सब अपने आप उनके ग्रो हो जाते हैं नेचुरली, जो स्प्रिंटर होते हैं 100-200 मीटर लगाते हैं, क्योंकि वो लेग वर्कआउट कर रहे हैं तो वहाँ से उनका बेस बन जाता है। लेग हमारी बॉडी का बेस है ना, ठीक है, आधा पार्ट है हमारी बॉडी का, इसलिए काल्फ मसल्स की भी करो, लेग की भी करो। तो यहाँ पर मैं ये बोलूँगा कि हफ्ते में 2 बार लेग का वर्कआउट मेरे भाई ज़रूर करो। होम वर्कआउट करते हो उस पर मेरी वीडियो बनी हुई है, चेक कर लेना। और जिम में तो बस आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप कर ही लोगे, मशीनें होती है, और वजन रक्षा करो, बस ये चीज़ें फॉलो कर लो 3-4। और सबसे इम्पोर्टेंट, सुबह का वर्कआउट कोशिश करो, सुबह का वर्कआउट चालू करो, घी दूध से बनी डाइट खाओ, बस ये छोटे मोटे पॉइंट है और ज़्यादा कुछ नहीं। अगली वीडियो किस पर चाहिए कमेंट करो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।